हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू क्लास सो टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज क्लास फाइव चैप्टर नंबर सिक्स रॉक्स एंड मिनरल्स सो फिल इन द ब्लैंक्स एंड इन द फॉलोइंग वी हैड टेन बिफोर सो टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन आंसर्स फॉर द सेम चैप्टर सो फर्स्ट वन व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स रॉक्स किन किन टाइप्स की होती है और हाउ दे आर फॉर्म्ड वो कैसे फॉर्म होती है सो वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स आर इग्नियस रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉफिक रॉक्स सो लेट्स आंसर द क्वेश्चन अबाउट हाउ दे आर फॉर्म्ड तो वो कैसे फॉर्म होती है अब इग्नियस रॉक्स का अगर हम देखें तो द इनर पोर्शन ऑफ द अर्थ इज मेडअप ऑफ मॉल्टन मैटर जो so, अर्थ का इनर पोर्शन है वो किससे बना हुआ है मॉल्टन मैटर से बना हुआ है इट इज कॉल्ड मैग्मा जब वो मैग्मा स्केप करता है अर्थ अर्थ से थ्रू वॉलो वॉल्केनो की वजह से द मैग्मा विच स्केप्स थ्रू द अर्थ सरफेस थ्रू इज कॉल्ड लाव तो वो जो मैग्मा स्किप करता है उसे क्या कहा जाता है लावा अब जो लावा अर्थ सरफेस के बाहर निकल जाता है देन इट कूल्स डाउन थोड़ा कूल cool होके वो क्या बन जाता है इग्नियस रॉक इसीलिए इग्नियस का मीनिंग क्या होता है फायर ही जिसमें फायर हो तो इग्नियस रॉक आर मेड फ्रॉम द लावा वैन लावा इज कूल डाउन देन सेडिमेंट्री रॉक्स तो सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है वाटर विंड एंड आइस कैरी अवे द वूड मर्ट पेबल्स ये सारी चीज़ों के जो सेडिमेंट्स होते हैं छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इन्हें एक जगह पे डिपोजिट कर देता है ठीक है किसकी वजह से विंड वाटर इन सारी रीजन्स की वजह से ये सारे टुकड़े एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं दिस मटीरियल आर ब्रॉड डाउन और ये रिवर्स के थ्रू ब्रॉड डाउन By the streams of rivers and finally flow into the sea और वो sea में चले जाते हैं अब sea में जाके वो deposit होते रहते हैं डिपोजिट होने के बाद वो अपने आप को क्या कर लेते हैं हार्ड कर लेते हैं और वो जो हार्ड रॉक बनती है दे आर सेडिमेंटरी रॉक्स देन मेटामॉर्फिक तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है मॉडिफाइड फॉर्म होता है सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक का वो और मॉडिफाई होकर मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है नाउ सेकेंड वन व्हाट आर मिनरल्स मिनरल्स क्या होता है हाउ दे आर फॉर्म हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम और तो मिनरल इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज़ अ डेफिनेट केमिकल कम्पोजिशन तो मिनरल क्या है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है अ मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन भी एक्सट्रैक्टेड वो मिनरल जिससे मेटल एक्सट्रैक्ट हो सकते हो एंड इज कॉल्ड और अब वही मिनरल जिससे मेटल एक्सट्रैक्ट हुए मेटल एक्सट्रैक्टेड मेटल निकाले जा सकते हैं एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं उन्हीं को और कहा जाता है सारे जो ओर्स है वो सारे मिनरल्स है बट सारे मिनरल्स जो है वो और नहीं है वट आर द यूज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स रॉक्स एंड मिनरल्स के यूजेस क्या होते हैं तो मिनरल्स आर यूज एज फर्टिलाइजर्स एंड रॉक्स आर यूज इन हाउसिंग स्क्रबिंग इन मेकिंग टूल्स एक्सेट्रा तो मिनरल uh, जो है वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं फर्टिलाइज एज अ फर्टिलाइजर यूज़ किए जाते हैं और जो ओरस होती है उनमें मेटल्स एक्सेस किए जाते हैं और रॉक्स किस काम में आती है हाउसिंग स्क्रबिंग uh, जो रॉक्स होती है उन, उनको हाउसिंग में भी यूज किया, किया जाता है स्क्रबिंग या टूल्स मेकिंग में भी उन्हें यूज किया जाता है देन व्हाट आर द What are fossils? Fossils क्या होता है सो फॉजल्स आर द डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल तो होता है येन्स रिमेन so, होते हैं प्लांट और एनिमल के कहा के, के होते हैं प्लांट एंड एनिमल्स के दे आर फॉजिल्स फाउंड इन रॉक्स रॉक्स में यह है, मिलते हैं फॉजल मीन्स जब एनिमल्स uh, डेड हो जाते हैं एनिमल्स या प्लांट जो भी फिनिश हो जाते हैं तो उनका जो उनके जो रिमेन्स होते हैं उनका जो बचा हुआ जो पार्ट होता है ठीक है डेट इज़ वो क्या बन के रह जाता है फॉजल बन के आता है वॉट इज़ पेट्रोलियम पेट्रोलियम इज़ फॉर्म फ्रॉम द रिमेंस ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल बरीड अंदर अ ग्राउंड मीनियंज या रगो पेट्रोलियम क्या होता है पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है पेट्रोलियम जब डेड प्लांट और एनिमल बहुत सालों तक ग्राउंड के अंदर बरीड रहते हैं अंदर रहते हैं सो आफ्टर दैट वो क्या बन जाता है उनका जो डेड रिमेंस होता है वो एक लिक्विड बन जाता है दैट इज़ पेट्रोलियम नेम द वेरियस प्रोडक्ट्स ऑप्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम पेट्रोलियम से क्या क्या चीजें मिल सकती है दो द वेरियस प्रोडक्ट ऑप्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम आर डीजल कैरोसिन पेट्रोल लिक्विड पेट्रोलियम गैस सो आई होप यू अंडरस्टूड इट टिल नाउ एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो थैंक यू फॉर वॉचिंग